अगर नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। तो आइए अब स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच, ये हेडर फाइल हमें यहां पे लगानी है, ठीक है। तो मैं यहां पे स्ट्रिंग डॉट एच लगाने वाला हूं, आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, ये हो गया। और बाकी ये सारे जो वेरिएबल्स मैंने बनाए थे पहले, इनको मैं इरेज कर देता हूं। हमें यहां पे बात करनी है कि हम इसको अब कैसे करेंगे, ओके। तो चलिए ये इसका, क्योंकि हम एरे में इसको स्टोर कराएंगे, तो हम यहां कैर टाइप का डेटा टाइप ले लिए और एक वेरिएबल हम बनाते हैं ए नाम का, ठीक है। और इसमें जो है इसकी साइज हम मेंशन करते हैं 20, ठीक है। LRSCR लगाने के बाद यहां प्रिंट एफ लगाएंगे, तो यहां लिखता हूं मैं प्रिंट एफ एंटर एनी नेम, ओके। अब इसको हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, जो भी नाम लिखेंगे हम उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे। तो यहां लगाते हैं गेटस, ये स्कैनफ का काम करेगा और ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हमने ए ले रखा है तो यहां पे ए, ठीक है। और इसके बाद यहां पे टर्मिनेशन देंगे और फिर यहां लगाएंगे एस टी आर आर ई वी, यानी स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे यहां पे। और इसके अंदर हम रखेंगे ए को, ठीक है, रख दिया। और यहां पे करेंगे टर्मिनेट, टर्मिनेट करने के बाद यहां पे प्रिंट करवा दीजिए प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ लगाया हमने, करेंगे हम परसेंट एस, क्यों परसेंट एस करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं, तो लिखा हमने परसेंट एस, परसेंट एस कर दिया हमने। और यहां पे ए में जाके वैल्यू स्टोर होगी, तो यहां ए कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे देना है सिंपली गेट सी एच, ठीक है, क्या देना है गेट सी एच। तो आइए देते हैं यहां गेट सी एच, लिखा गेट सी एच, ओके। तो ये दे दिया हमने गेट सी एच। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एंड हुआ और इसको यहां से हम करेंगे टर्मिनेट। ऊपर चलते हैं, देखते हैं ये हमारा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हमने लिख लिया है, इसको सेव करते हैं हम, देन इसको कंपाइल करवाते हैं। तो एरर, व्हाट काइंड ऑफ एरर, और यहां पे मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से लगा लेते हैं हम सेमी कोलन, टर्मिनेट नहीं किया इसे, यहां से टर्मिनेट कर दिया। अब इसको सेव कर लिया हमने, देन इसको अब डायरेक्टली रन करवाते हैं। तो यहां पे इंटर एनी नेम, तो यहां पे मैं नाम लिखता हूं एस यू आर ए जे, इंटर प्रेस करूं, ओ ये देखिए जे ए आर यू एस, जे ए आर यू एस, ये रिवर्स ऑर्डर में है या नहीं आप बताएं, रिवर्स ऑर्डर में है या नहीं। फिर मैं इसको करता हूं, अब देखिए यहां पे फिर मैं इसको कंपाइल करवाता हूं, देन रन करवाता हूं, ये रन हो गया। अब मैं इंडिया लिखता हूं, इंडिया, ठीक है। तो यहां देखिए इंडिया को रिवर्स ऑर्डर में ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। फिर मैं एक बार और इसको रन करवाता हूं, ठीक है। इस बार मैं क्या लिखता हूं, अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। देखिए ये अमेरिका को भी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। फिर एक बार इसको चलाते हैं प्रोग्राम को, और इस बार मैं लिखता हूं रशिया, तो ये देखिए रशिया को भी आई ए आई डबल एस यू आर, ए आई डबल एस यू आर, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि इंटीजर अगर हम कराना चाहते हैं, यानी नंबर्स को अगर रिवर्स कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है तो कैसे करा सकते हैं। दोनों प्रोग्राम आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.